अब अभ्यास नौसी अभ्यास नौसी ये हमने निर्णय बताई थी बस उसी पर आधारित है। पहला सवाल है किसी दिए हुए रेखाखंड के 5 बराबर भागों में विभाजित करना। अब बस जो निर्णय हमने बताया थी वही काम है, इसमें अंतर केवल इतना यहाँ पर दूरी दी गई है और कोई काम नहीं। और ऐसे ही प्रश्न नंबर 2, इसमें द्रौपदी में कमजोर हमने निर्णय बताई है बस वही है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड एक खींचिए, अंत बिंदु ए से रेखाखंड का 3/5 भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। आप इसी तरह से ज्ञात है रेखाखंड लेनी तो रचना करनी है, केवल एक एकल 3/5 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसको 5 बराबर भागों में और यहाँ से ए को कोई मान का हमने चार बढ़ाया, फिर एम वन को दूसरा चार बढ़ाया, दूसरे कहकर तीसरा, इस तरह से चार बढ़ा दिया। और तीसरा जो चार है ये पहले बी एम फाइव और बी को मिलाते हैं और एम फाइव बी के समांतर तीन एम थ्री और तीन एम टू को मौका देगा समांतर रेखा मिलते हैं। और ये जो धारा एक रचना करनी है रेखाखंड AB को 3/5 बराबर भागों में विभाजित करना है। रचना सर्वप्रथम रेखाखंड AB के बिंदु A से मूल कोण बनाते ही एक किरण AB कीजिए। फिर AB को AM, अब बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई सी दूरी जो ए एम ओ एम वन पर आता है। अब एम वन ओ उसी दूरी से दूसरा चाप लगा है जो ए एम ओ एम टू बिंदु काटता है। इसी प्रकार
चार एम थ्री एम फोर तथा एम फाइव लगाते हैं। इसके बाद M3 से M5 B के समांतर जो ए इस प्रकार एफ टी बराबर तीन बटे पांच अब यहां पर नापने पर अब वैसे तो यह अलग से गणना है नहीं, नापने पर यही गणना है। तो नापने पर एपी आएगा ये आएगा चार दशमलव आठ सेंटीमीटर और पीवी तीन दशमलव दो सेंटीमीटर। ग्रह का